हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और आइए बिना देरी किए सुनते हैं कि आखिर सुभाष बराला क्या कह रहे हैं। जिम्मेवारी लगी है वो पर्यवेक्षक के तौर पर फीडबैक लेकर के आएंगे। पार्टी के वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, पार्टी का कोर ग्रुप, मंडल के अध्यक्ष, ऐसे जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, ऐसे सब लोगों से जो फीडबैक लेकर के आएंगे, उसके आधार पे फिर आगे जिला अध्यक्षों का चयन 22 के 22 जिलों में होगा। और इसके लिए, क्योंकि बीच में विधानसभा का सेशन भी है, इसलिए 29 फरवरी और 1 मार्च यानी कि शनिवार और इतवार, ज़्यादा से ज़्यादा इस तारीख तक की इनको एक समय सीमा दी है कि इससे इन तारीखों को या इससे पूर्व में अगर कोई जा सकता है, वहाँ उपलब्धता हो सकती है सब कार्यकर्ताओं की, तो वो फीडबैक लेकर के आकर के संगठन को दे और उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पहले हो जाएगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मुरलीधर राव जी और सुनील देव दर्जी आकर के गए हैं। उन्होंने सब पार्टी के जिन जिन नेताओं से फीडबैक लेना था वो लेकर के गए हैं, और अब केंद्रीय नेतृत्व उस बात को तय करेगा कि कब प्रदेश अध्यक्ष का चयन। ये अभी पर्यवेक्षकों के लिए हमने तारीख दी है 29 और 1 यानी कि शनिवार और इतवार, इन दो दिनों के अंदर पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर जाकर के बैठकें करके अपनी रिपोर्ट वापस दे देंगे। राणा जी, एक तारीख का फीडबैक मान लीजिए आपके पास आ जाती है तो जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है कब तक हो जाएगी? देखिए, ये एक बार बैठ करके तय करेंगे। अभी इसके बाद भी लगातार हमारा बैठकों का सिलसिला जारी, जैसे पहले रहता था वैसे ही चल रहा है, और अभी भी हम सब लोग महामंत्री और अभी एक बार फिर बैठेंगे, तो उसमें जो भी तारीख इसकी तय होगी आप लोगों को जानकारी। जिला अध्यक्षों के लिए भी कोई मापदंड तय किए गए हैं? देखिए, मापदंड तो जो पार्टी का जो संविधान है उसके आधार पर जो भी मापदंड हैं वो तय किए गए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उम्र की बात आजकल ज़्यादा इसमें पूछी जा रही है, तो वो औसतन 55 साल की उम्र जिला अध्यक्ष की हो, ऐसा प्रयास हमारा, जैसे मंडल अध्यक्षों में 45 वर्ष तक का रहा था, इसमें 55 वर्ष तक का औसतन एक ऐसा उम्र का विचार हम सोच करके चले। बात की 22 जो पर्यवेक्षक है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या वो बता दिए गए आज जो बैठक हुई? जी, आज ऐसे सब लोग इस बैठक के अंदर बुलाए गए थे, 22 के 22 लोगों को यहाँ बुलाया था। आज 18 लोग इस बैठक में आ पाए थे, 4 लोग नहीं आ पाए, उनकी सूची आप लोगों को दे दी जाएगी। राणा साहब, एक्साइज पॉलिसी आई प्रदेश की, एक मजाक सा बन गया, सोशल मीडिया पर एक मजाक उड़ रहा है कि 1000 रुपए में अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं 2 पेटी आप रख सकते हैं, क्या इस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें कुछ एक इस तरह का एक रिफ्लेक्शन उसमें से आया है कि 1000 रुपए की फीस दे करके घर घर के अंदर इस प्रकार से शराब पहुंचाने का काम हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी और हमारे एक्साइज विभाग उप मुख्यमंत्री जी के पास है, उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं वो इसको स्पष्ट कर देंगे। अगर कहीं ऐसा प्रावधान है कि 1000 रुपये की फीस देकर के कोई भी घर पे इतनी शराब रख सकता है, कोई भी व्यक्ति रख सकता है, तो इसका कहीं कोई नाजायज़ कोई लाभ, अनुचित कोई लाभ कोई इस प्रकार का ना उठा पाए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसको वापस लेना चाहिए। आग्रह रात के लिए भी कहा है कि 1 बजे की बजाय अब 3 बजे तक खुलेंगे, तो कानून व्यवस्था का क्या रहेगा? देखिए, वो कानून व्यवस्था की और सारी बातें हैं, वो सरकार की एक्साइज पॉलिसी में सारा का सारा उसमें डिफाइंड है। लेकिन ज्यादा सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि 1000 रुपए के लाइसेंस पर, इसका हमने आग्रह किया है, और मुझे लगता है कि हमारे आबकारी मंत्री दुष्यंत जी हैं और मुख्यमंत्री जी इस पर विचार जरूर करेंगे। तो पहले भी था, घर पे अगर किसी को शराब रखनी हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था, सालाना लाइसेंस होता है लेकिन कम की गई है 600-700। देखिए, उसमें कितनी भी बेशक पुरानी पोल थी, लेकिन एक जो मैंने एक बात पहले कही है कि एक मैसेज इस प्रकार का जा रहा था कि घर के अंदर कोई ऐसे ठेके ना खुल जाए, इस बात का हमने आग्रह किया, इस बात को सुनिश्चित कर लेगी सरकार, इस बात के ऊपर ध्यान जरूर देगी। विपक्ष एक सवाल ये भी उठा रहा है कि हिसार के अंदर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जो नशा बेचने वाले हैं वो देशद्रोही हैं, वो मुख्यमंत्री जी ने उनको देशद्रोही कहा था, और अब खुद सरकार की जिस तरह से नीति आई है और उसमें इस तरह से खुलेआम करने की जो बात आई है, देखिए आप इस प्रकार के जो तकनीकी शब्द हैं उसको आबकारी नीति के साथ नहीं देखना चाहिए इतनी उसके साथ। हाँ, ये जरूर है कि जो इस प्रकार का
नशा बेचने का काम करते हैं, वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इस मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का भाव यही होगा। धन्यवाद।